आज की रेसिपी है बालूशाही। मुंह में घुल जाने वाला, इतना टेस्टी कि पूछिए मत, और बार बार खाने का मन करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मैश्री गैसी किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फटाफट बना दे। एक मिक्सी जार में मैंने आधा कप गेहूं का आटा लिया है और इसमें 1/3 कप सूजी डाली हूँ और 4 इस तरीके से खड़ा इलायची और 2 पिंच मैंने नमक डाला है और ये है 3 चम्मच चीनी। अब इसे एकदम पाउडर फाइन तैयार कर लेते इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पीस लिया है। पीसे हुए से बालूशाही बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से थोड़ा सा मिला लेते हैं और इसमें मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। आप घी की जगह ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया और ये ठंडा पानी है। थोड़ा सा ही पानी से हमें सख्त गूंथ लेना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से पहले मैं गूंथ लेती हूँ, फिर इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 कप चीनी लिया है और इसमें मैं 1/4 कप पानी डालें। पानी कम डालेंगे तो चाशनी जल्दी से बन जाएगी और एक दो तार वाली नहीं बनानी, बस 1 तार वाली बनानी। तो ये देखिए, चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब मैंने इसमें पिंच येलो कलर डाल दिया, ये फूड कलर है। आप इसकी जगह रेड कलर, ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। इससे क्या है, बालूशाही की कलर बहुत ही अच्छा आएगा देखने में भी। तो चाशनी बन के तैयार हो गया है। अब ये बालूशाही का आटा देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक लोई के आकार का इस तरीके से बना लीजिए और उंगली से इस तरीके से बीच से होल कर दीजिए। ये देखिए, जो बीच से फटा है आप इसे इस तरीके से हल्का सा घुमा लीजिए तो थोड़ा सा चिकनाहट आ जाएगी और साइड साइड से थोड़ा दरदरा फटा है तो उससे कोई बात नहीं, इससे चाशनी अच्छे से इसमें डिप हो जाएगी। तो आप तेल में इसे धीमी आँच पर ही एक एक करके फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। बालूशाही को खाने में इतना टेस्टी कि मुंह में जाते ही घुल जाए और ये झटपट बन जाता है। बस पीसिए और फटाफट बनाइए बालूशाही को। तो ये देखिए, अब इस तरीके से मैं एक एक करके इस तरीके से पलट लिया है। अब अंदर से थोड़ा सा अच्छे से और पक जाए धीमी आंच पे ही। तो ये देखिए, अब इसे इस तरीके से पलट लेते हैं सारे बालूशाही को। तो इसे त्यौहार और दिवाली पे जरूर से ज़रूर ये मिठाई आप बनेगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से ये तैयार हो गया है। अब मैंने निकाल के अब चाशनी में इसे डिप कर दे रही हूँ क्योंकि चाशनी थोड़ा गर्म है तो ये अच्छे से सोख लेगी। तो ये देखिए, एक एक करके आपको इस तरीके से डिप करते जाना है। 5 से 6 मिनट तक बस इसे इस तरीके से छोड़ देंगे तो चाशनी अच्छे से डिप हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसे निकाल लिया है और ऊपर से मैंने पिस्ता लगा दिया है ना, टेस्टी बालूशाही बनके।